हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस, आज हम पीनट की चाट बनाने वाले हैं। तो देखिए कितना अच्छे से यम्मी टेस्टी पीनट की बनती है चाट। और गाइस, ये नवरात्र स्पेशल है और ये एक बार बना करके आप खाएंगे ना तो लगभग लगभग सारा दिन आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्रोटीन से भरी हुई होती है। प्रोटीन फाइबर, इसके बहुत सारे गुण हैं। अगर इसके गुण हम बताने बैठेंगे ना तो पूरा टाइम निकल जाएगा, इसलिए चलिए हम बनाते हैं इसकी अच्छी सी यम्मी सी रेसिपी। तो देखिए, हमने हाफ कटोरी लिए थे पीनट, उनको हम भिगो के रख दिए हैं। ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं, 2 से 3 घंटे भी भिगो सकते हैं। तो देखिए भीग करके तैयार है, तो उनको चलिए बनाते हैं। हमने अपने कुकर में डाल दिए हैं और डाल दी है हाफ कटोरी पानी। अगर आपके पास बॉयल आलू नहीं है तो आप इसमें 2 आलू भी ऐड कर सकते हैं, और अगर बॉयल आलू रखे हैं आपके पास तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। तो चलिए इसको 2 से 3 सीटियां लगा करके हम इसे पका लेते हैं। तो ये देखिए, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है अपनी पीनट में, पीनट के हिसाब से। तो इनको बंद करके फ्लेम हम लगा लेते हैं सीटियां। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बच्चे इसे बिना व्रत के भी बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। हम व्रत के लिए बना रहे हैं तो उसको हम घी में बनाएंगे। आप जिसके लिए भी बनाएं, घी या तेल जिसमें भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो ये देखिए, एक टमाटर ले, जब तक बॉयल हो रहे हैं आलू तब तक हमने टमाटर ले लेना है, काट लेना है बारीक। तो ये देखिए बॉयल्ड आलू हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और ये हमने टमाटर और हरी मिर्च टेस्ट के अनुसार और हरी धनिया, इन सब चीज़ों का इंतजाम करके रख लिया। तो चलिए बनाते हैं। ये देखिए, हमने अपनी कढ़ाई ली है। ये आपको कढ़ाई गंदी लग रही होगी, बट गंदी नहीं है, उसमें हमने पीनट भूनी थी इसीलिए आपको ऐसे दिख रही है। तो 2 चम्मच या 2 स्पून हम डाल देंगे इसमें घी। ठीक है, आप जो भी तेल खाते हो आप वो डाल सकते हैं, घी बटर जो भी। तो ये देखिए, इसमें हमने डाल दिया 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, वो भुन गया है, टमाटर ऐड किया और मिर्च हरी, और ये हमने डाल दिए आलू। इनको हम मिक्स करके फ्राई करेंगे। टमाटर थोड़ी देर हमने भून लिया था, 5-2 मिनट के करीब, और फिर हमने आलू ऐड किया। तो देखिए पीनट भी हमारी अच्छे से बॉयल्ड हो गई है, तो इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स करते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारी बहुत अच्छी सी चाट बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए खटास के लिए आज हम नींबू भी नहीं ऐड कर रहे हैं, या आमचूर पाउडर वगैरह भी नहीं ऐड कर रहे हैं। तो देखिए कि हम आगे क्या ऐड करेंगे। तो ये हमने डाल दिया है नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाला है। और आप लोग ये याद रखिएगा कि हमने पीनट को बॉयल करते समय भी नमक ऐड किया था, इस वजह से उसी हिसाब से आप नमक ऐड करें। तो ये देखिए, तो इनको हम चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। और देखिए आज हम खटास के लिए इसमें क्या अपना यूज़ करते हैं। तो देखिए ऐसे ही देख के मुँह में पानी आ रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है देखने में। हमने डाल दिया हरी धनिया, कुछ धनिया बचा करके रख लिया है जिसको हम सर्व करते समय गार्निश करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको पका लेंगे। देखिए बहुत जल्दी बनता है, क्योंकि आलू भी बॉयल्ड है, पीनट भी बॉयल्ड है। गाइस, पीनट को कहीं कहीं श्रृंगदाना भी बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं, श्रृंगदाना बोलते हैं, पीनट तो इंग्लिश में बोलते ही हैं। तो चलिए इनको अब कर लेते हैं सर्व। तो हमने ले लिए देखिए अपनी प्लेट और एक कटोरी। ये देखिए कटोरी में हम अपना सर्व कर रहे हैं। आप अगर गर्मा गर्म खट्टास के लिए नींबू डालना चाहते तो आप इसी तरह से इसमें नींबू निचोड़ करके खटास के लिए ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, मगर हम आज सर्व करेंगे दही के साथ, क्योंकि पीनट हमारी होती है गर्म, जिसके साथ दही खाना बहुत अच्छा होता है। क्योंकि नवरात्र ऐसा त्यौहार है जो 7-8 दिन बराबर चलता है, 9 दिन, तो उसमें अगर आप ऐसे ही खाते रहेंगे ना बना बना कर तो हो सकता है पेट में गर्मी बन जाए, जिसके लिए हमें दही इसके साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देख सकते हैं हम इसमें दही डालेंगे, और हमने कटोरी में जो रखा है निकाल कर उस तरह से भी आप खा सकते हैं। खटास के लिए नींबू ऐड कर लें, या आमचूर पाउडर आपके पास साफ रखा हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। तो हम फिलहाल दही के साथ सर्व करेंगे। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया दही, ऊपर से डाल दिया है हरी धनिया और हमने सर्व कर दिया। तो अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।